नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभी चतुर्वेदी। फिरोजाबाद के एसआरके कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के बीच हुए झगड़े का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी भी अब शिक्षकों की मदद के लिए मैदान में उतर आई है। आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी दिलीप यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एसआरके कॉलेज पहुंचे और इस मामले में एक टीम गठित करने की बात की, जिससे ये पता चले कि गलती आखिर किसकी। फिरोजाबाद के एसआरके डिग्री कॉलेज में आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी दिलीप यादव और समाजवादी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता शिक्षकों से मिलने कॉलेज पहुंचे। आपको बता दें कि गत दिनों पहले एसआरके डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें पुलिस ने शिक्षकों को जेल भी भेज दिया था। शिक्षकों को जेल जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी भी शिक्षकों की तरफ से इस मामले में आ चुकी है। डॉक्टर दिलीप यादव का कहना है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और एक टीम गठित भी की जाएगी, जिससे पता लग सके कि जिन शिक्षकों को जेल भेजा गया है वो गुनहगार थे या उन्हें सिर्फ सत्ता के दबाव के चलते जेल भेज दिया गया है। किस तरह की ये कमेटी बनाई गई है, जांच करने आ रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जांच कमेटी बनाई, जो एसआरके कॉलेज में झगड़ा हुआ, बाहर के व्यक्तियों ने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन शिक्षकों को सरकार के प्रेशर में जेल भेजा गया, उसकी जांच कमेटी के रूप में हम लोग आए। एसपी सिटी भी आए, सीओ भी आए, प्रिंसिपल साहब से बात की, जो दोषी दोषी लोग थे उनके बारे में जानकारी पीड़ित लोगों से ली। हम इस समय ये मांग करते हैं इस माध्यम से कि इस तरह का जो अन्याय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हो रहा है और शासन के प्रेशर में हमारे लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और जिसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और शिक्षकों का हम लोग साथ देंगे। बाहर के लोगों ने बिना परमिशन के कमरों में उसका बदतमीजी की, लेकिन बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन लिया है। नहीं, प्रिंसिपल साहब मना कर रहे हैं, कहीं कोई परमिशन नहीं ली, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन के आए दिन यहाँ उद्यम होता है, जिससे यहाँ शिक्षण कार्रवाई बहुत असर पड़ता है। फिरोजाबाद का एसआरके डिग्री कॉलेज इस वक्त एक शिक्षा मंदिर के बदले अखाड़े में बदलता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी शिक्षकों की तरफ से इन शिक्षकों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी हुई है। अब देखना यह है कि इस जांच टीम के आधार पर इस पूरे मामले में गलती किसकी निकलती है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट।